हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आप सभी को बताएं, अपना सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। और अपना जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। देखिए, मोर्टार आज हम कवर करने वाले हैं, मोर्टार के सभी एएन जेएन के क्वेश्चन, इसके अलावा मोर्टार से पूछे गए ईएसी के क्वेश्चन, इसके अलावा जितनी भी अपनी क्वेश्चन बैंक है सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कंबाइन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए अपना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइम मोर्टार हैविंग एस यूज एज फाइन एग्रीगेट। तो देखो, थोड़ी सी आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। मोर्टार जो होता है, मोर्टार में क्या होता है आपका, एक तो होता है बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है ना, और एक होता है आपका फाइन एग्रीगेट। ये आपको पता होगा, बाइंडिंग मटेरियल को जनरली मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और फाइन एग्रीगेट को बोला जाता है एडल्ट एंड, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए, अगर बाइंडिंग मटेरियल मेरा लाइम है तो उसे लाइम मोर्टार बोल देंगे, ठीक है ना। अगर बाइंडिंग मटेरियल मेरा सीमेंट है सैंड के साथ, तो उसे सीमेंट मोर्टार बोल देंगे। अगर बाइंडिंग मटेरियल मेरी नॉर्मल मिट्टी है, ठीक है, तो उसे मड मोर्टार बोल देंगे। और गोज मोर्टार में आपका होता है सीमेंट और लाइम दोनों, ठीक है, क्लियर। बाइंडिंग मटेरियल अगर सीमेंट और लाइम दोनों है तो वो गोज मोर्टार होता है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि लाइम मटेरियल, लाइम मोर्टार जिसमें कि फाइन एग्रीगेट को ऐसे रिप्लेस कर दिया है, या जिसमें फाइन एग्रीगेट की जगह एस है, एस मतलब राख, ठीक है ना। तो राख किस कलर की होती है, अपनी नॉर्मल ब्लैक कलर की होती है, तो इस टाइप के मोर्टार को बोला जाता है ब्लैक मोर्टार, स्पेशल टाइप है, क्लियर है। तो ऐसा लाइम मोर्टार जिसमें फाइन एग्रीगेट की जगह एस है, उसे ब्लैक मोर्टार बोलेंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना टू। व्हेन सीमेंट एंड लाइम आर यूज इन डिफाइन प्रोपोर्शन एज बिल्डिंग मटेरियल मोर्टार, दैट इज नोन एज। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर मेरा बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट और लाइम, सीमेंट प्लस लाइम दोनों प्रेजेंट हैं सैंड के साथ, किसके साथ, सैंड के साथ, या आप बोल सकते हो फाइन एग्रीगेट के साथ, तो उस टाइप के मोर्टार को बोलते हैं अपन गोज मोर्टार। इस टाइप के मोर्टार को गोज मोर्टार बोलते हैं, या इसे दूसरा भी नाम देते हैं अपन कंपोजिट मोर्टार बोलते हैं, कंपोजिट मोर्टार बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाइट वेट मोर्टार क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आगे इनके क्वेश्चन है तो वहीं इनको डिस्कस कर लेंगे अपन, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए, ईएसी का क्वेश्चन मैंने थोड़ा पहले ले लिया है, हालांकि आगे वाले जेएन एएन के ही हैं, क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रेफर टू द बाइंडिंग मटेरियल फॉर मोर्टार। तो मोर्टार में मैंने अभी आपको बताया था कि मोर्टार में आपका क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल प्लस में एक फाइन एग्रीगेट, एक फाइन एग्रीगेट, क्लियर है ना। फाइन एग्रीगेट जनरली अपन सैंड लेते हैं, इसके अलावा ब्रिक के जो पाउडर होता है उसको भी ले सकते हैं, सुर्खी ले सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, क्लियर है। तो बाइंडिंग मटेरियल जो होता है मोर्टार में, आपका सीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, आपका लाइम भी हो सकता है, ठीक है, सीमेंट हो सकता है, लाइम हो सकता है, सैंड और सुर्खी जो है वो एक तरीके से फाइन एग्रीगेट का काम करती है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपसे बाइंडिंग मटेरियल पूछा था, तो आपका एक नंबर सही, दो नंबर सही, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये आपको मैं प्लास्टर में भी करा चुका हूँ ये बात, फिर भी देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंपोजिट मोर्टार, कंपोजिट सीमेंट लाइम मोर्टार ओवर सीमेंट मोर्टार। तो यहाँ पे इसने बोला कि जो अपना सीमेंट लाइम मोर्टार होता है, अपना सीमेंट लाइम मोर्टार होता है, उसका सीमेंट मोर्टार के अगेंस्ट या सीमेंट मोर्टार के कंपेरिजन में क्या फायदा नहीं है, ठीक है ना, नॉट का यूज लिया यहाँ पे। तो आप सभी को पता है, अगर मैं सीमेंट मोर्टार यूज लेता हूँ तो उसमें सीमेंट की वजह से श्रिंकेज बहुत ज़्यादा आते हैं, श्रिंकेज आते हैं तो क्रैक्स आते हैं आपके, ठीक है। जबकि अगर उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज लाइम का मिला दिया जाए प्रॉपर प्रोपोर्शन में, तो उस केस में क्या होता है, श्रिंकेज वहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है लाइम की वजह से, कि श्रिंकेज रुक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो, ड्राइंग श्रिंकेज जो है सीमेंट लाइम मोर्टार की वजह से कम होने चाहिए, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाई दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। वर्केबिलिटी लाइम की वजह से बढ़ जाती है, ऑप्शन ए आपका सही है। हाई वाटर रिटेंशन, ये भी सही बात है, क्योंकि वाटर रिप्लेंट ज्यादा होता है मेरा सीमेंट लाइम मोर्टार। और लो ड्राइंग श्रिंकेज, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो गलत कौन सा है, ओनली यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। विच टाइप ऑफ लाइम इज मोस्टली यूज फॉर प्रिपेयर लाइम मोर्टार। तो ये देखो, क्वेश्चन दो बार पूछा हुआ है, ईएसई में पूछा हुआ है, उसके बाद यूपी के एक जेएन के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो, जो अपना लाइम मोर्टार बनता है, जो अपना लाइम मोर्टार बनता है, वो दो तरह के लाइम से बनाया जाता है जनरली। एक होता है आपका फैट लाइम से,
और दूसरा होता है आपका हाइड्रोलिक लाइम से। आप लाइम के टाइप जानते ही होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फैट लाइम का जो मोर्टार बनता है उसमें आप सैंड को 2 से 3 टाइम लेते हैं लाइम का, ठीक है ना। जो हमारी सैंड है उसको 2 से 3 टाइम लिया जाता है, मतलब दुगना या तिगुना लिया जाता है। जबकि जो हाइड्रोलिक लाइम है उसमें जो लाइम और सैंड का रेशो होता है वो 1:2 होता है, ठीक है ना, क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो फैट लाइम का मोर्टार होता है, जो आपका फैट लाइम का मोर्टार होता है उसको डैम्प एरियाज में मैं यूज नहीं ले सकता, उसको मैं डैम्प एरियाज में यूज नहीं ले सकता। जबकि जो हाइड्रोलिक लाइम वाला मोर्टार है उसको डैम्प एरियाज में यूज किया जा सकता है, उसको डैम्प एरियाज में यूज किया जा सकता है। दूसरा, हाइड्रोलिक लाइम जो होता है इससे बना हुआ जो मोर्टार होता है उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे इसने पूछा था विच टाइप ऑफ लाइम इज मोस्टली यूज फॉर प्रिपेयर लाइम मोर्टार। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपका, फैट लाइम है, व्हाइट लाइम है, हाइड्रोलिक लाइम है और क्विक लाइम है। तो आपको ऑप्शन में फैट भी मिला और हाइड्रोलिक भी मिला। तो आपको मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताई कि फैट लाइम में एक तो डैम्प एरियाज में इसको यूज नहीं करते, एक इसकी स्ट्रेंथ कम आती है। तो मेनली जो मोर्टार बनाया जाता है लाइम का वो हाइड्रोलिक लाइम को लेके ही बनाया जाता है। तो 5वें प्रश्न में आपका जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा, क्लियर है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कह रहा है सैंड इज मिक्स विद लाइम मोर्टार टू। तो लाइम मोर्टार जो होता है उसमें अपन क्या करते हैं, सैंड मिक्स कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। सैंड मिक्स करने से क्या होता है, यहाँ पे श्रिंकेज रुक जाते हैं। देखो लाइम मोर्टार कोई भी अगर मेरा बाइंडिंग मटेरियल है तो उसमें क्या होगा, या तो श्रिंक हो गया एक्सपेंड होगा, ठीक है, उसमें क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, हम यहाँ पे जो भी मेरा एडल्टेंट है उसको मिक्स कर देते हैं, उससे क्या होता है मेरा श्रिंकेज रुक जाते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे ड्राई ब्रिक्स आर रिकमेंडेड इन केस ऑफ ब्रिक मेजनरी वर्क व्हेन द मोर्टार टू बी यूज इन। तो आपसे बोला कि ब्रिक मेजनरी में हम ड्राई ब्रिक्स को कब रिकमेंड करते हैं, ठीक है, जब किस टाइप का मोर्टार यूज किया जाता है। तो आपने जनरली देखा होगा जब अपनी सीमेंट वाली चिनाई होती है, सीमेंट की जब, या अपन सीमेंट मोर्टार की जो मेजनरी बनाते हैं उसमें ईंटों को या ब्रिक्स को पहले पानी में डुबो के रखते हैं, ठीक है। अगर लाइम का बात कर रहा हूँ मैं तो वहाँ भी रखा जाता है, अगर और किसी मोर्टार की बात की जाए तो वहाँ भी रखा जाता है। बस एक एक्सेप्शन होता है मेरे पास, एक मेरे पास एक्सेप्शन होता है, अगर मैं मड मोर्टार यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं मड मोर्टार यूज़ कर रहा हूँ मतलब मिट्टी का मोर्टार यूज़ कर रहा हूँ, मिट्टी का गारा जिसे बोलते हैं, तो उस केस में जो ब्रिक्स होती है मेरी उनको ड्राई कंडीशन में ही रखा जाता है, उसको पानी में सोख करके नहीं रखा जाता, ठीक है ना। अगर रख देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ गिर जाएगी और शेप भी उसकी बिगड़ सकती है, ठीक है ना, मोर्टार प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा आपका। तो 7वें क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रेक इन वॉटर बिफोर यूज, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे उसका अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया। अपन मड मोर्टार के केस में नहीं करते थे, लेकिन आपको सबको पता होगा जो भी बाकी के केस होते हैं, जैसे सीमेंट मोर्टार ले लो, जैसे लाइम ले लो, सब में क्या करते हैं अपन ईंटों को पहले पानी में डुबो के रखते हैं, ठीक है। उसका जो मेन कारण होता है, उसका जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है कि जो मेरी ब्रिक्स हैं अगर उनको मैंने ड्राई स्टेट में रख दिया, अगर मैंने उनको ड्राई स्टेट में रख दिया और उसके ऊपर मैंने मोर्टार लगा दिया, ठीक है, तो जो मोर्टार में अवेलेबल वाटर है, मोर्टार में जो अवेलेबल वाटर है उस वाटर को क्या कर लेंगी, वो एब्जॉर्व कर लेंगी, मोर्टार का जो वाटर है उसको एब्जॉर्व कर लेंगी और मोर्टार में जो वाटर है उसकी कमी आ जाएगी, तो उसकी वजह से उसका हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा और स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल पाएगी। तो पानी और सॉरी जो ईंट है अपनी उसको क्यों करके रखा जाता है पानी में, सोकिंग क्यों करके रखी जाती है उसकी, ताकि जो मोर्टार है हमारा उससे वाटर को एब्जॉर्व ना करें, क्लियर है। अगर ईंट में पहले से सफिशियंट वाटर होगा तो मोर्टार के वाटर को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन मेरा कोई सेंस नहीं निकल रहा, एयर वॉइड का स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ब्रिक का, ठीक है ना। और एफ्लोरसेंस रिड्यूस करेगा, एफ्लोरसेंस रिड्यूस नहीं करेगा, एफ्लोरसेंस तो इंक्रीज करेगा। अगर उसको पानी में रखा तो एफ्लोरसेंस ज्यादा होने के चांस होते हैं, क्योंकि वाटर के जो साल्ट है वो ब्रिक में चले जाएंगे। और फोर क्लीनिंग, तो इसका कोई सेंस नहीं है, ईंट को साफ क्या करना, फालतू की बातें हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे, क्लियर है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वॉट इज द बाइंडिंग मटेरियल इन मोर्टार। देखो वापस क्वेश्चन आ गया, 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पहले वाला क्वेश्चन था आपका ईएससी का था, ठीक है ना। तो बाइंडिंग मटेरियल आप सभी को पता होता है, सैंड एक फाइन एग्रीगेट है, गलत बात। सीमेंट आपका क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। सैंड
सिंडर और सुरखी, सुरखी जो होती है एज अ फाइन एग्रीगेट यूज ली जाती है, और सिंडर जो होते हैं उसको सीमेंट बनाने में यूज करते हैं। क्लियर है ना? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10, द मोस्ट सुटेबल मोर्टार यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉक्ड एरियाज। तो देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइड्रोलिक लाइम का जो मोर्टार होता है उसे अपन डैम्प एरियाज में या वाटर लॉक्ड एरिया में यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं देगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ वाला मोर्टार होता है आपका, ठीक है, वो मोर्टार जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है वो होता है आपका सीमेंट मोर्टार, वो होता है आपका सीमेंट मोर्टार। तो वाटर लॉक्ड एरियाज में हमेशा सीमेंट मोर्टार को ही यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेंथ इतना ज्यादा बड़ा पैरामीटर नहीं है, स्ट्रेंथ की आपको ज्यादा खास जरूरत नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा लाइम भी यूज कर देंगे। ठीक है, गोज मोर्टार भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि गोज मोर्टार के जो वाटर रिप्लेंट वो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी ज्यादा होती हैं सीमेंट मोर्टार के। ठीक है ना, क्लियर है? लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करनी है, जो कि एक सिविल इंजीनियरिंग का मेन वर्क होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो हमेशा अपन सीमेंट मोर्टार को यूज करेंगे। तो जनरल केस में आप सीमेंट मोर्टार ही प्रोवाइड करोगे। क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर वहाँ पे सीमेंट मोर्टार ही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द मोर्टार जॉइंट इन मेजनरी विच इज नॉर्मल टू द फेस ऑफ वॉल। तो ये तो जॉइंट के बारे में पूछ रहा है, मेजनरी के जो जॉइंट होते हैं, ये अपन जब ब्रिक मेजनरी पढ़ेंगे तब सारे जॉइंट में बता दूंगा, ये क्वेश्चन तब हो जाएगा, इसको छोड़े अभी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ। तो हैकिंग अपन कंप्यूटर वाली हैकिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, होता क्या है हैकिंग, जब अपनी कोई दीवार है, ऐसा मानिए आप मेरे पास कोई दीवार है और इसका जो प्लास्टर है वो थोड़ा थोड़ा सा रस्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर दोबारा प्लास्टर की लेयर लगाऊंगा। और दोबारा प्लास्टर की लेयर लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, इस दीवार को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, इसमें टाँकी हथौड़े चलाने पड़ेंगे जिससे कि ये थोड़ी सी रफ हो जाए। ठीक है, रफ क्यों करते हैं, ताकि मेरी जो मोर्टार है उसके अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है ना, तो प्लास्टरिंग से पहले जो रफ करते हैं अपन सरफेस को, उसे ही क्या बोला जाता है, हैकिंग बोला जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, अपन क्या करते हैं, बैकग्राउंड सरफेस को रफ करते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, अ थिन रफ और अनफिनिश्ड कोट ऑफ पोर्टलैंड प्लास्टर ऑन अ मेजनरी वॉल इज जनरली कॉल्ड। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि मेजनरी वॉल है मेरे पास, मेजनरी वॉल पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक थिन मतलब पतला और अनफिनिश या रफ कोट लगा रहा हूँ, किसका, पोर्टलैंड प्लास्टर का। किसका, पोर्टलैंड प्लास्टर का। ठीक है ना, पोर्टलैंड प्लास्टर मतलब नॉर्मल अपना कोई भी प्लास्टर, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें आप परेशान मत होना कि पोर्टलैंड प्लास्टर कौन सा होता है, जनरली सीमेंट प्लास्टर के लिए यूज ले लिया इसने, पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर मतलब है ना। तो मेजनरी वॉल पे जो एक छोटी लेयर लगाई जाती है एक टाइप से, जो प्लास्टरिंग की जाती है, उसे पार्जिंग बोला जाता है, उसे बोला जाता है पार्जिंग। याद रखना, कुछ अजीब अजीब सी टर्म है जो पूछी जाती है, आप इनको याद रखना। ठीक है, पेंटिंग बोलेंगे नहीं, ड्रेसिंग पत्थरों से रिलेटेड होती है, स्टोन से, और डिस्टेम्परिंग अलग होती है। ठीक है ना, डिस्टेम्पर करना अलग सीन होता है, तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा पार्जिंग। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका, सीमेंट मोर्टार अडेयर मोर इफेक्टिवली टू द ब्रिक सरफेस देन एनी अदर मटेरियल। तो यहाँ पे इसने बोला है कि जो मेरी ब्रिक सरफेस है, ठीक है, उसको सबसे अच्छे तरीके से बॉन्ड या सबसे अच्छा एडेशन जो आता है वो सीमेंट मोर्टार में आता है। तो बात सही लग रही है, अगला ऑप्शन देखते हैं, सीमेंट मोर्टार अडेयर लेस इफेक्टिवली टू ब्रिक सरफेस देन एनी अदर मटेरियल। चलो आगे चलते हैं, सीमेंट मोर्टार डज नॉट अडेयर टू ब्रिक सरफेस एट ऑल। ये तो वास्तव में ही गलत हो गया, डी ऑप्शन है आपके पास, सीमेंट मोर्टार अडेयर टू ब्रिक सरफेस एज इफेक्टिवली एज एनी अदर मटेरियल। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके पास मोर्टार प्रेजेंट है उनमें सबसे अच्छी जो आपकी एडेशन कैपेसिटी होती है, सबसे अच्छी जो आपकी एडेशन कैपेसिटी होती है, या ब्रिक के साथ या आपकी वॉल के साथ सबसे अच्छा बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो सीमेंट मोर्टार की होती है। सबसे अच्छी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो सीमेंट में ही होती हैं, लाइम से भी बहुत ज़्यादा होती हैं। क्लियर है ना, तो सबसे अच्छा जो एडेशन होगा, ये सबसे इफेक्टिव जो एडेशन होगा वो सीमेंट मोर्टार का होगा। क्लियर है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन 14 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपका, अ गॉज मोर्टार इज ऑब्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट टू द सीमेंट। तो गॉज मोर्टार के बारे में आपको बता चुका हूँ, अगर मेरे पास सीमेंट है, ठीक है, तो सीमेंट में मुझे क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, सैंड और प्लस में लाइम, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, गॉज मोर्टार मिल जाएगा। क्लियर ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास,
सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोर्टार, तो जो अपना लाइम मोर्टार है उसमें अपन सुर्खी ऐड क्यों करते हैं, ठीक है ना। सुर्खी ऐड करने का एक ही काम होता है कि ये श्रिंकेज को क्या करती है, श्रिंकेज को ये कम करती है, श्रिंकेज से प्रिवेंट करती है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेटिंग टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं आता इसका, बल्क डेंसिटी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता इसका, खास हाइड्रोलिसिटी होती है वो सैंड से बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। वहाँ पे सुर्खी का कोई खास रोल नहीं है, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वन ऑफ द मेन डिमेरिट इन यूजिंग लाइम मोर्टार इज दैट, तो आपका जो लाइम मोर्टार यूज करते हैं हम, उस लाइम मोर्टार की जो मेन डिमेरिट है, उसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो ये जो लाइम मोर्टार होता है मेरा, ठीक है, उसका जो सेटिंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसका जो सेटिंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग होता है 36 घंटे, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वही 36-40 घंटे होता है लाइम मोर्टार का, ठीक है ना। तो इसका जो मेन डिमेरिट है वो क्या है कि ये बहुत जल्दी जमता नहीं है, ठीक है। जबकि अपना जो सीमेंट मोर्टार है उसका इनिशियल 30 मिनट ही होता है और 10 आवर उसका फाइनल होता है, ठीक है ना। जबकि लाइम मोर्टार का इनिशियली 36 घंटे होता है, ठीक है। तो लाइम मोर्टार जो है उसकी मेन डिमेरिट क्या है कि ये बहुत लेट सेट होता है, क्लियर है ना। दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इट डज नॉट सेट क्विकली, ठीक है ना। बाकी जो डिमेरिट्स हैं इसकी वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। स्वेलिंग इसमें होती है थोड़ी बहुत, प्लास्टिक भी होता है, ये कोई डिमेरिट में काउंट नहीं होता, ड्यूरेबल है ये, ऐसी बात नहीं है, ड्यूरेबल ये है। क्योंकि चूने की जो बनी हुई पुरानी बिल्डिंग है वो देख लो आप, अब तक चली आ रही है, ठीक है ना। किले विले जो बने हुए हैं सब चूने के ही हैं, तो ड्यूरेबल तो ऑब्वियस सी बात है, लाइम मोर्टार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है इसका, मैच लिस्ट फर्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार ईएससी में पूछा जा चुका है और आपसे और किसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आपको लिस्ट वन है जिसमें कि वर्क दिए हुए हैं आपको कि कौन सा वर्क है, और आपके पास लिस्ट टू है जिसमें कि आपको मोर्टार या सीमेंट मोर्टार में सीमेंट सैंड का रेशो दे रखा है, ठीक है। तो किस वर्क के लिए कौन सा अपन यूज लेते हैं वो आपसे पूछा हुआ है। तो पहली बात, नॉर्मल ब्रिक वर्क के लिए, तो नॉर्मल ब्रिक वर्क जो होते हैं आपके पास उसमें जो मोर्टार यूज लिया जाता है दैट इज 1:6। दूसरा है आपके पास प्लास्टरिंग वर्क, प्लास्टर में जो आप मोर्टार यूज करते हो वो डिपेंड करता है कि इंटीरियर वॉल है या आउटर वॉल है, ठीक है। अगर आउटर वॉल है तो 1:4 का लेते हैं, अगर इंटीरियर है तो 1:5, 1:6 से काम चल जाता है, ठीक है ना। फिर भी अगर अपन बी यहाँ पे प्लास्टर वर्क में देखें तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वो सही होगा, और नॉर्मल ब्रिक वर्क के लिए कौन सा सही होगा, 3 नंबर सही होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, ग्राउटिंग द कवर्नियस रॉक, पता नहीं क्या लिख रहा है, मेरे प्रोनाउंस नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है। ग्राउटिंग के लिए अपन कौन सा लेते हैं, ग्राउटिंग के लिए बेटर जो मोर्टार होता है वो यूज लिया जाता है, मतलब जिसमें सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, और गंटिंग जो होता है अपना, गंटिंग ऑपरेशन, उसमें 1:3 का मोर्टार यूज लिया जाता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद रखना इस चीज़ों को, ठीक है। और प्लास्टर में मैंने बाकी के लिए भी बताया था, जैसे सीलिंग के लिए कितना लेते हैं, ठीक है, वो सारा मैंने आपको प्लास्टर में बताया था। तो यहाँ पे ए के लिए कौन सा हो गया 3, बी के लिए कौन सा हो गया आपका प्लास्टिंग वर्क के लिए 1, सी के लिए कौन सा हो गया आपका, सी के लिए हो गया आपका 4, और डी के लिए हो गया आपका 2। तो देखना कौन सा ऑप्शन कही सही है, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन सी में थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डी में 1 लिखा हुआ है, डी में 2 आएगा, ठीक है ना, डी में 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, कई बार लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपका 19। ये ईएससी के क्वेश्चन में इसीलिए लेता हूँ क्योंकि ईएससी का जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इनमें आपके पास 4-5 क्या दिए होते हैं, स्टेटमेंट दिए होते हैं, और वो स्टेटमेंट जो है वो बहुत सही होते हैं, मतलब इन स्टेटमेंट में 5 क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना के दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से क्या है, आपके 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं, ये फायदा होता है इस टाइप के क्वेश्चन का, स्टेटमेंट वालों का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखें आप, वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट मोर्टार कैन बी इम्प्रूव बाय एडिशन ऑफ लाइम, तो ऑब्वियस ही बात है आप सभी को पता है जो गॉज मोर्टार होता है उसकी वर्केबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा एक नंबर है वो सही है, ठीक है। दूसरा देखें, फ्लाई एस सीमेंट इज इकोनॉमिकल इन प्लास्टरिंग वर्क, तो ऑब्वियस ही बात है सही है, ठीक है, ये बात आपकी सही है, क्योंकि फ्लाई एस क्या है, एक तरीके से अपने पास वेस्टेज है,
ठीक है, और इसको अगर मैं सीमेंट में यूज करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, इकोनॉमिकल केस बनेगा, ठीक है ना, मेरे पास इकोनॉमिकल केस बनेगा, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास सही है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, एडिशन ऑफ सॉडस्ट इम्प्रूव द वर्कएबिलिटी। तो सॉडस्ट जो होती है, सॉडस्ट जो होती है उसको अपन साउंड प्रूफ या लाइट मोर्टार बनाने के लिए यूज में करते हैं। सॉडस्ट जो होती है उसको अपन लाइट मोर्टार बनाने में यूज करते हैं, और लाइट मोर्टार क्या होता है, ये हीट इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन दोनों का काम करता है, ये याद रखना। सॉडस्ट को अपन लाइट मोर्टार बनाने में यूज करते हैं, और लाइट मोर्टार जो होता है आपके पास हीट इंसुलेशन और इसके अलावा साउंड इंसुलेशन दोनों को प्रोवाइड करता है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट आ सकती है, हीट रेजिस्टेंट होता है ये और साउंड रेजिस्टेंट होता है। तो सॉडस्ट को मिला के वर्केबिलिटी नहीं बढ़ती, ठीक है ना, सॉडस्ट का काम होता है लाइट वेट मोर्टार में, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, सैंड इन मोर्टार कैन बी रिप्लेस बाय फाइनली क्रश फायर ब्रिक्स। तो ऑब्वियसली बात है, फायर ब्रिक्स जो होती हैं उनका चूरा बना के और क्या करते हैं, मोर्टार में मिला देते हैं, ठीक है। इसके भी अपने अलग फायदे हैं, ठीक है, इसको आगे आने वाली वीडियोस में अपन देख ले, क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है ना। तो चौथा भी आपके पास क्या है, सही है। तो यहाँ पे मात्र तीसरा नंबर का गलत है, 1, 2 और 4 क्या है यहाँ पे मेरे सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो एक क्वेश्चन करने में अपनी 3-4 क्वेश्चनों का माल तैयार हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करा करो आपको मिल जाए तो, है ना। मैंने भी यहाँ पे 4-5 ऐड कर दिए हैं, आपका फायदा होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंपोजिट मोर्टार। किसकी बात हो रही है, कंपोजिट मोर्टार की बात हो रही है, चलिए देखते हैं इसको भी। कंपोजिट मोर्टार में जो आपका पहला इसने स्टेटमेंट बोला है वो क्या है, एडिशन ऑफ लाइम टू सीमेंट मोर्टार इम्प्रूव इट्स वर्केबिलिटी। तो पहले भी मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी आया था कि अगर मैं लाइम मिला देता हूँ सीमेंट मोर्टार में, दैट मीन्स मैं गोज मोर्टार बना लेता हूँ, ठीक है, तो उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है और उसकी वर्केबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो पहला मेरे पास क्या है, सही है। दूसरा देखिए, कंपोजिट मोर्टार इज ऑब्टेन बाय एडिंग 10% बाय वेट ऑफ सीमेंट एंड मिक्सिंग इट विद वाटर। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही, क्योंकि जो अपन सीमेंट और लाइम का रेशियो रखते हैं गोज मोर्टार में, सीमेंट और लाइम का जो रेशियो रखते हैं वो रखा जाता है आपका 1:6 to 1:8, ठीक है, 1:6 to 1:8, 10% वाला कोई फंडा नहीं होता, 10% तो यहाँ पे किसी में भी नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन जो है मेरा, या सेकंड स्टेटमेंट जो है मेरा, वो क्या है, गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखें, स्टेटमेंट नंबर 3 है आपका, कंपोजिट मोर्टार इज नॉट प्रेफरेबल इन टॉल बिल्डिंग। तो ऑब्वियस ही बात है, अपनी जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, टॉल बिल्डिंग में अपने को स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, और मैंने आपको बताया था कि जो कंपोजिट मोर्टार होता है, गोज मोर्टार होता है, उसकी स्ट्रेंथ सीमेंट मोर्टार के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, तो अपन उसको टॉल बिल्डिंग पे यूज नहीं लेते। तो ऑप्शन या सॉरी स्टेटमेंट 3 मेरा क्या है, सही है। स्टेटमेंट 4 देखें, मैकेनिकल ग्राइंडिंग इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग कंपोजिट मोर्टार। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे लाइम और सीमेंट को मिलाना है तो उनकी मैकेनिकल ग्राइंडिंग तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। तो चौथा स्टेटमेंट भी मेरे पास सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है आपसे, ब्रिक्स आर सोक इन वाटर बिफोर यूज इन मेजनरी वर्क। तो ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ चुका है, मेजनरी वर्क में यूज करने से पहले ब्रिक को सोक करते हैं, क्यों, क्योंकि वो सीमेंट मोर्टार की वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो वो ना करें इसलिए क्या करते हैं, उनको सोक करके रखा जाता है, ठीक है। सोक इसलिए करते हैं ताकि वो जो मोर्टार है उसमें से वाटर का एब्जॉर्व ना कर सके, क्लियर है। थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या है, सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका, ओनली 3, वो सही हो जाएगा, क्लियर है। पहला देखो यहाँ पे, टू रिमूव डस्ट, तो हटा लो डस्ट को, लेकिन डस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है ना। दूसरा है टू रिमूव एयर वॉइड, इसका कोई सेंस ही नहीं है, एयर वॉइड से क्या फर्क पड़ रहा है अपना, ठीक है ना। और एयर वॉइड आपके निकल रहे हैं नहीं निकल रहे, उससे ईंट की स्ट्रेंथ पे और उससे उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, जो वॉइड है वो तो वॉइड है, उसमें चाहे एयर भरी हो चाहे वाटर भरी हो, ठीक है ना। तो ये इसके, हाँ, ये इसका कोई पर्पज नहीं होता, ठीक है ना। पर्पज जो होता है मेन अपना, वो यही होता है कि मोर्टार में से पानी को एब्जॉर्ब ना कर ले वो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट है आपके, सैंड इन सीमेंट मोर्टार इज यूज। तो सीमेंट मोर्टार जो होता है आपका, सीमेंट मोर्टार जो होता है उसमें सैंड यूज क्यों करते हैं। तो देखो, सीमेंट मोर्टार में होता क्या है आपके पास, सीमेंट एंड सैंड, यही होता है, ठीक है। सीमेंट को बोलते हैं अपन मैट्रिक्स, और सैंड को बोला जाता है, फाइन एग्रीगेट को बोला जाता है एडल्ट, ठीक है ना।
तो सीमेंट सीमेंट अगर मैं यूज लूंगा तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम है मेरे पास। ठीक है, देखो क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी समझते हैं, और सैंड को यूज क्यों करते हैं वो भी समझते हैं, दोनों एक साथ समझते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो होती है आपकी वो मैट्रिक्स की वजह से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सैंड का कोई रोल नहीं है, तो पहला आपका गलत। दूसरा देखो रिड्यूसिंग द श्रिंकेज। ठीक है, अगर मैं ओनली सीमेंट यूज करूंगा तो वो बहुत ज्यादा श्रिंक होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें साउंडनेस बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं सैंड मिला दूंगा तो इनका जो कंपोजिशन होता है उसका श्रिंकेज कम होता है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट दो मेरा सही है। थ्री देखें, डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। तो ऑब्वियस सी बात है, बाइंडिंग मटेरियल या सीमेंट जो है मेरे पास उसकी पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, जब मैं उसमें सैंड मिला दूंगा तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या हो गया, सही हो गया। फोर्थ देखें, डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सीमेंट सीमेंट लूंगा तो मुझे ज्यादा क्वांटिटी चाहिएगी, अगर सैंड मिला दूंगा तो मैं सीमेंट की क्वांटिटी को घटा सकता हूँ। तो चौथा भी सही है। यहाँ पे आपके दो तीन चार चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। ठीक है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चंस को करने के लिए नॉलेज बहुत होना जरूरी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव में चार ऑप्शन दिखते हैं वहां तो अपन तुक्के भी लगा सकते हैं, इनमें कोई तुक्के लगाने वाले चांस नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको आनी चाहिए चीजें। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेंज ऑफ फाइननेस मॉडुलस ऑफ मीडियम एंड यूजेबल मीडियम सेंड है, यहाँ पे मीडियम सेंड होगा। ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेंज ऑफ फाइननेस मॉडुलस ऑफ मीडियम सेंड विच इज यूजिंग टू प्रिपेयर सीमेंट मोर्टार। मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ इसको, तो सीमेंट मोर्टार अपन बनाते हैं। ठीक है, सीमेंट मोर्टार जो बनाते हैं, ठीक है, इसमें अपन मीडियम सेंड यूज लेते हैं, इसमें अपन मीडियम सैंड यूज लेते हैं। इस मीडियम सैंड का फाइनेस मॉडुलस क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, तीनों के फाइनेस मॉडुलस बता देता हूँ। सैंड अपनी तीन टाइप की होती है, एक होती है कोर सैंड, एक होती है मीडियम सैंड और एक होती है फाइन सैंड। ठीक है, कोर सैंड जो होती है उसका फाइनेस मॉडुलस होता है आपके पास 2.2 से 2.6। जो मीडियम सैंड होती है उसका आपके पास होता है 2.6 से 2.9, और जो आपकी फाइन सैंड होती है उसका होता है 2.9 से 3.2। याद रख लेना, और भी क्वेश्चन इस पे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सॉइल में मिलेगा ये चीज़ आपको, लेकिन यहाँ भी पूछ लिया तो इसको याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैकिंग मोर्टार। तो पैकिंग मोर्टार एक स्पेशल टाइप का मोर्टार होता है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा जब डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है ना, इसमें आप सीमेंट सैंड, सीमेंट लोम और सीमेंट सैंड लोम तीनों चीज़ों को यूज कर सकते हो। लोम क्या होती है, एक तरह की सॉइल होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। क्लियर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, गॉज मोर्टार इज ऑल्सो कॉल्ड, गॉज मोर्टार मीन्स ऐसा मोर्टार जिसमें लाइम और सीमेंट दोनों हो, जिसमें लाइम और सीमेंट दोनों हो, तो इसे कंपोजिट मोर्टार भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। सीमेंट क्ले मोर्टार भी बोल सकते हैं क्योंकि सीमेंट भी है और लाइम है, दैट मीन्स क्ले भी है इसमें। लाइम सीमेंट मोर्टार भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द नॉर्मल क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोर्टार इज। तो जो अपने कोडल प्रोविजंस हैं उनके बिहाफ पे लाइम मोर्टार का जो नॉर्मल क्यूरिंग टाइम होता है, नॉर्मल क्यूरिंग पीरियड होता है, वो होता है 7 दिन का। ठीक है ना, आपका जो सीमेंट मोर्टार होता है उसका भी इतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये ड्राई होने के बाद करते हैं काम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गीला है उसमें ही अपन ने टेक दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखें, द लाइम मोर्टार शुड बी कंज्यूम्ड विद इन, ये ड्यूरेशन है फ्रॉम इट्स प्रिपेरेशन। तो मतलब लाइम मोर्टार को मैंने प्रिपेयर कर लिया, उसके कितने टाइम के अंदर अंदर उसको यूज कर लेना चाहिए, कंज्यूम कर लेना चाहिए, तो ये होता है आपका 36 आवर। क्योंकि 36 आवर क्या होता है इसका, एक तरीके से इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, उसके बाद ये सेट होने लग जाता है। क्लियर है, सीमेंट मोर्टार का आप सभी को पता होगा 30 मिनट होता है ओनली। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, द गॉज मोर्टार, गॉज मोर्टार में क्या होता है, लाइम के साथ सीमेंट भी होती है, तो इस वजह से इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, घट जाता है लाइम के कंपेरिजन में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द गॉज मोर्टार शुड बी कंज्यूम्ड विद इन ब्लैंक फ्रॉम इट्स प्रिपरेशन। तो जैसे ही मैंने गॉज मोर्टार बना दिया उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो सेट होने लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 आवर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास,
पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपके पास चार पांच स्टेटमेंट है, आपको सही बताना है इनमें से। पहला है आपके पास द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वॉटर एंड मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड फाइन एग्रीगेट इज कॉल्ड मोर्टार। तो सही बात है, मोर्टार में आपके पास बाइंडिंग मटेरियल होगा, फाइन एग्रीगेट होगा और वाटर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही। बी देखिए, द बाइंडिंग मटेरियल इन मोर्टार इज नोन एज मैट्रिक्स। तो आपको बताया था मैंने, मैट्रिक्स ही बोलते हैं, बी भी सही है। थर्ड देखिए, द फाइन एग्रीगेट इन मोर्टार इज कॉल्ड एडल्ट्रेंट। तो इसको भी सही बोलते हैं अपन, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए, द मैट्रिक्स बाइंड द पार्टिकल ऑफ द एडल्ट्रेंट टू प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी क्वांटिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द मोर्टार। तो डी भी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन ई, मतलब कि ऑल ऑफ दीज, ये जो अपने पास सारे स्टेटमेंट हैं ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपके पास स्टेटमेंट है, पहला है आपके पास द स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स मीन्स बाइंडिंग मटेरियल। आपने सीमेंट यूज लिया है, आपने लाइम यूज लिया है, उस पर डिपेंड करेगा ना स्ट्रेंथ। सीमेंट है तो ज़्यादा होगी, लाइम है तो कम होगी, मड है तो बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो जो मैट्रिक्स है उसकी क्वालिटी और इसके साथ साथ क्वांटिटी, मतलब आपने सीमेंट कम यूज लिया है तो कम स्ट्रेंथ, ज़्यादा यूज लिया है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ। दैट मीन्स जो बाइंडिंग मटेरियल है या मैट्रिक्स है उसकी क्वांटिटी कितनी ली है और उसकी क्वालिटी कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन ए मेरा क्या है, सही है। बी ऑप्शन देखें, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड एडल्ट्रेंट ऑफ मोर्टार इज टू बाइंड द ब्रिक्स और स्टोन फर्मली। तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, जो मैट्रिक्स और एडल्ट्रेंट का मिक्सचर है, मतलब मेरे पास जो मोर्टार है उसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है कि जो मेरे पास ब्रिक्स हैं और स्टोन है जिनको मेजनरी में लगा रहा हूँ उनको बांध के रखती हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि आपका जो मेनली लोड है वो तो ट्रांसफर किससे होगा, ब्रिक्स से ही होगा ना या स्टोन से होगा, ठीक है। मोर्टार का क्या काम होता है, उसको बस बांध के रखना, बस वो अपनी जगह से ना ही ले, क्लियर है। तो बी ऑप्शन भी क्या है मेरा, करेक्ट है। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, मतलब कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, सॉरी 31, फायर रेजिस्टेंट मोर्टार इज। तो फायर रेजिस्टेंट मोर्टार जो होता है ना, ठीक है, तो सबसे नॉर्मल अपने चलता है वो होता है एल्यूमिनस पाउडर। एल्यूमिनस पाउडर लेते हैं अपन वन पार्ट, ठीक है, और इसमें दो पार्ट फाइन ब्रिक्स पाउडर मिला देते हैं। फाइन ब्रिक्स पाउडर, पाउडर बोल दो या चाहे फाइन ब्रिक्स बोल दो, मतलब जो ब्रिक्स होती है अपनी, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं, चूरा कर लेते हैं उसका, उसको दो पार्ट लेंगे और जो अपना एल्यूमिनस पाउडर उसको एक पार्ट लेंगे और ये अपने पास क्या बन जाएगा, फायर रेजिस्टेंट मोर्टार बन जाएगा, क्लियर है ना। भट्टियों के अंदर जो प्लास्टर होता है उसमें इसको यूज करते हैं, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, लाइट वेट मोर्टार विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सोडस्ट और वुड पाउडर टू लाइम मोर्टार और सीमेंट मोर्टार इज यूज फॉर। तो देखो, जब अपने को लाइट वेट मोर्टार बनाना होता है, जब आपको लाइट वेट मोर्टार बनाना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो भी हमारा लाइम मोर्टार है या आपका सीमेंट मोर्टार है उसमें क्या ऐड कर देते हैं, सोडस्ट और वुड पाउडर, जो लकड़ी का पाउडर निकलता है, बुरादा निकलता है, उसको अपन इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, उसका वेट ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोल देते हैं अपन, लाइट वेट मोर्टार बोल देते हैं। और लाइट वेट मोर्टार का मैंने बताया था कि ये साउंड इंसुलेट भी होता है, मतलब साउंड प्रूफ भी होता है और हीट प्रूफ भी होता है, हीट इंसुलेशन भी होता है इसमें, ठीक है ना। तो साउंड प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग दोनों चीजें प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अजीब लगेगा फिर भी देख लेते हैं। द रेजिड्यू ऑफ सुर्खी विच इज यूज एज द प्लेस ऑफ सैंड इन मोर्टार ऑन सीव BIS नंबर 9 शुड नॉट बी लेस देन। तो देखो, सुर्खी क्या होती है, सुर्खी एक तरीके से फाइन एग्रीगेट ही होता है जिसको कई बार अपन सैंड की जगह यूज करते हैं मोर्टार में, ठीक है। जब अपन सुर्खी को यूज करते हैं मोर्टार में तो उसको सबसे पहले IS जो अपनी नंबर 9 की सीव होती है, ठीक है, नंबर 9 की जो सीव होती है उसमें से छाना जाता है। अगर इस सीव में उसका रेजिड्यू 10% से ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसका रेजिड्यू अगर 10% से ज़्यादा हो गया तो ऐसी सुर्खी को अपन यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोर्स है। अगर 10% से कम है या 10% है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, फिर वो क्या होती है आपके पास, फाइन होती है, उसका यूज किया जा सकता है। तो जो रेजिड्यू है वो आपकी 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट वन है आपका, सैंड इन मोर्टार डज नॉट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार एज इट इज यूज ओनली टू इंक्रीजिंग द बल्क वॉल्यूम। तो सही बात है, आपको मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए इस बात के, तो आपको पता लग ही गया होगा। दूसरा है आपके पास, सैंड इन मोर्टार प्रिवेंट एक्सेसिव श्रिंकेज व्हाइल ड्राइविंग।
बिल्कुल सही बात है। अगर ओनली उसमें बाइंडिंग मटेरियल होगा तो वो ज़्यादा श्रिंक होगा, जैसे सीमेंट होगी ओनली तो उसकी श्रिंकेज ज़्यादा होती है, अगर उसमें सैंड मिला दिया तो श्रिंकेज आपके कम हो जाते हैं। थर्ड है, आपके पास सैंड इन वेरिएशन ऑफ इस प्रोपोर्शन विद सीमेंट इंक्रीज द रिलेटिव फोर्स अगेंस्ट क्रशिंग। सीमेंट इन वेरिएशन ऑफ प्रोपोर्शन विद सीमेंट इंक्रीज द रिलेटिव फोर्स अगेंस्ट क्रशिंग। तो ऑब्वियस ही बात है, क्रशिंग के अगेंस्ट तो रिलेटिव फोर्स को ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। बट ये लाइन का मतलब मुझे थोड़ा कम समझ में आया, ठीक है ना, देख लेना इसको आप। डी ऑप्शन है आपके पास, सेंड पार्टिकल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर स्प्रेडिंग एंड एडेरिंग द बाइंडिंग मटेरियल। तो जो मेरा बाइंडिंग मटेरियल है सीमेंट है जनरली, उसकी पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सेंड पार्टिकल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर स्प्रेडिंग द एडेरिंग। ये यार क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट में या तो कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है, इसको आप छोड़ दो, बाद में देख लेंगे, क्लियर है ना। तो 34 को आप कोई बात नहीं नेगलेक्ट कर देना, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मोर्टार के हो गए हैं, ठीक है। मोर्टार में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये क्वेश्चन भी हैं आपके लगभग मैंने करा दिए हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और आएगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें आपको मिल चुके हैं, ठीक है। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप है अपना या कमेंट सेक्शन है, दोनों में कहीं भी पूछ लेना, ठीक है।